ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन श्लोक क्रमांक 54। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेण अनेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैः द्रव्यैः देश काल विभागवित्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर् देशकाल विभागवित्। ओम हे भगवान, नमः, नमस्कार है भगवते भगवान को, वासुदेवाय वासुदेव को। मंत्रेण मंत्र से, अनेन इस, देवस्य भगवान का, कुर्यात् करना चाहिए, द्रव्यमयीम भौतिक, बुधः विद्वान, सपर्याम वेदोक्त विधि से पूजा, विविधैः अनेक प्रकार की, द्रव्यैः सामग्री से, देश स्थान के अनुसार, काल समय, विभागवित विभागों को जानने वाला। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्री कृष्ण की पूजा का 12 अक्षर वाला मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उसके समक्ष मंत्रोच्चार करते हुए प्रामाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल फल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए, किंतु यह सब देश काल तथा साथ ही सुविधाओं एवं असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तात्पर्य, ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र वैष्णव भक्तों द्वारा जप किया जाता है और यह प्रणव अर्थात ओमकार से प्रारंभ होता है। ऐसा आदेश है कि जो ब्राह्मण नहीं हैं वे इस प्रणव मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, किंतु ध्रुव महाराज तो जन्मजात क्षत्रिय थे। उन्होंने नारद मुनि के समक्ष तुरंत स्वीकार किया कि वे क्षत्रिय होने के कारण वे नारद के त्याग तथा मन संतुलन के उपदेश को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ब्राह्मण के लिए हैं। तो भी ब्राह्मण न होते हुए भी नारद के आदेश से ध्रुव को प्रणव ओंकार उच्चारण करने की अनुमति मिल गई। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषतः भारत में ब्राह्मण लोग अन्य जाति वालों के द्वारा प्रणव मंत्र का उच्चारण किए जाने पर विरोध करते हैं, किंतु यहाँ पर सबल प्रमाण है कि जो व्यक्ति वैष्णव मंत्र अथवा देव पूजा की वैष्णव विधि को स्वीकार करता है उसे प्रणव मंत्र का जप करने दिया जाता है। भगवद्गीता में भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि चाहे जो कोई भी हो, भले ही वह निम्न योनि का हो, यदि वह ठीक से केवल पूजा ही करे तो वह उच्च पद को प्राप्त हो सकता है और भगवान के धाम को वापस जा सकता है। जैसा कि नारद मुनि ने बताया है, प्रामाणिक नियम यह है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए और मंत्र दाहिने कान से सुनना चाहिए। न केवल उसे मंत्र को जपना या गुनगुनाना चाहिए, वरन अपने समक्ष श्री विग्रह अथवा भगवान के भौतिक रूप को रखना चाहिए। निस्संदेह जब भगवान प्रकट होते हैं तो यह भौतिक रूप नहीं रह पाता,
उदाहरणार्थ जब लोहे की छड़ को आगे से आग में तपाया जाता है तो वह लोहा न रहकर आग हो जाता है। इसी प्रकार जब हम भगवान का स्वरूप तैयार करते हैं, चाहे वह लकड़ी का हो या पत्थर, धातु, मणि या रंग का अथवा मानसिक हो, तो यह भगवान का प्रामाणिक आत्मिक दिव्य रूप होता है। मनुष्य को न केवल नारद जैसे प्रामाणिक गुरु या परंपरा से उनके प्रतिनिधि द्वारा मंत्र ग्रहण करना चाहिए, वरन मंत्र का जप भी करना चाहिए। उसे केवल जप ही नहीं करना होता, वरन समय तथा सुविधा के अनुसार जगत के उस भाग अर्थात देश में जो भी खाद्य सामग्री उपलब्ध हो उसकी भेंट चढ़ानी चाहिए। पूजा की विधि जिसमें मंत्र का जप तथा भगवान का स्वरूप यानी विग्रह तैयार किया जाता है, घिसी पिटी नहीं है और न ही स्वतंत्र एक समान है। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि देश, काल तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन समग्र विश्व में चलाया जा रहा है और हम भी विभिन्न केंद्रों में श्री विग्रह यानी मूर्तियाँ स्थापित करते हैं। कभी कभी हमारे भारतीय मित्र आडंबरपूर्ण विचारधारा के कारण आलोचना करते हैं, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, किंतु वे परम वैष्णव ध्रुव महाराज को नारद मुनि द्वारा दी गई शिक्षा को भूल जाते हैं। मनुष्य को देश, काल तथा सुविधा को ध्यान में रखना होगा। भारत में जो सुविधाजनक हो सकता है वह पश्चिमी देशों में नहीं हो सकता। जो आचार्यों की पंक्ति में नहीं है अथवा जिन्हें आचार्य की तरह कार्य करने का अनुभव नहीं है, वे वृथा ही भारत के बाहर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यों की आलोचना करते हैं। तथ्य यह है कि ऐसे आलोचक कृष्ण चेतना के प्रसार में स्वयं कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई बाहर जाता है और देश तथा काल को ध्यान में रखते हुए प्रचार करता है तो संभावना है कि पूजा की विधि में अंतर आ जाए, किंतु शास्त्रों के अनुसार यह किंचित मात्र दोषपूर्ण नहीं है। रामानुज संप्रदाय की शिष्य परंपरा के आचार्य श्रीमद् वीर राघव आचार्य ने अपनी टीका में लिखा है कि परिस्थितियों के अनुसार चांडाल भी, जो शूद्र कुलों से भी निम्न हैं, दीक्षित किए जा सकते हैं। उन्हें वैष्णव बनाने के लिए औपचारिकताओं में यत्र तत्र परिवर्तन किए जा सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भगवान का नाम विश्व के कोने कोने में सुनाई पड़े। भला जब तक कोई सर्वत्र जाकर उपदेश न दे तब तक यह कैसे संभव है? भगवान चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय भागवत धर्म है और वे कृष्ण कथा तथा भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत संप्रदाय की विशेष संस्तुति करते हैं। वे परोपकार की भावना से प्रत्येक भारतीय को विश्व के अन्य निवासियों तक भगवान के संदेश को ले जाने के लिए कहते हैं। विश्व के अन्य निवासियों का अर्थ ऐसे लोग नहीं हैं जो भारतीय ब्राह्मणों या क्षत्रियों के ही समान हों या ब्राह्मण जाति के हों। यह नियम कि केवल भारतीय तथा हिंदू ही वैष्णव संप्रदाय में आ सकते हैं भ्रांतिपूर्ण विचार है। प्रत्येक मनुष्य को वैष्णव संप्रदाय में लाए जाने का प्रचार होना चाहिए। इसी उद्देश्य से कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलाया गया है। इस आंदोलन को ऐसे लोगों में भी जो चांडाल, म्लेच्छ या यवन कुलों में उत्पन्न हैं, प्रसारित करने की मनाही नहीं है। यहाँ तक कि भारत में भी यह बात श्रीला सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरि भक्ति विलास में कही है, जो एक स्मृति है और दैनिक व्यवहार के लिए वैष्णवों के लिए प्रामाणिक वैदिक पथ प्रदर्शिका है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार रासायनिक प्रक्रिया से कांसा पारे से मिश्रित होने पर सोना बन सकता है, उसी प्रकार प्रामाणिक दीक्षा से कोई भी वैष्णव बन सकता है। मनुष्य को चाहिए गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करे जिसको उसके उनके पहले के गुरु द्वारा प्रमाणित किया गया हो। यह दीक्षा विधान कहलाता है। भगवद्गीता में भगवान कृष्ण ने व्यपाश्रित्य अर्थात गुरु स्वीकार करने के लिए कहा है। इस विधि से समग्र संसार को कृष्ण भावनामृत में बदला जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं
वंदेहं श्रीगुरौ स्युतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर्देशकालविभागवित्। नारद मुनि उत्तरोत्तर भक्ति के अलग अलग अंगों की व्याख्या कर रहे हैं ध्रुव महाराज के लिए, और इस प्रकार उनको उपदेश दे रहे हैं कि क्या क्या अलग अलग अंगों के द्वारा उनको भगवान का भजन करना चाहिए। सर्वप्रथम उन्होंने भगवान के रूप का मन के अंदर ध्यान करने को कहा, और इसलिए उन्होंने भगवान के दिव्य रूप का वर्णन किया, किस प्रकार भगवान का के चरण कमल और फिर भगवान के अलग अलग अंग और आभूषण इत्यादि का वर्णन किया कि ध्रुव महाराज को चाहिए कि वो भगवान के इस रूप का मनन करे। तो ये एक भक्ति अंग है, स्मरणम, स्मरणम या मनन करना। और मनन जो है वो भगवान के रूप का मनन, भगवान के गुणों का मनन, भगवान की लीलाओं का मनन, अलग अलग प्रकार की जो भगवान और भगवान के नाम रूप गुण लीला हैं उनका मनन करना, ये एक अधिकृत विधि है भक्ति सेवा की। फिर तदुपरांत उन्होंने अभी पिछले श्लोक में ये कहा, जपश्च परमो गुह्यः श्रूयताम मे नृपात्मज। अभी एक मंत्र मैं तुम्हें बताता हूँ जिसका जप करना चाहिए। अभी एक दूसरा भक्ति अंग है मंत्र जप। और फिर आज के इस श्लोक में एक और भक्ति अंग का वर्णन कर रहे हैं जो है अर्च विग्रह पूजन। तो कह रहे हैं कि ये जो मंत्र है इसका जप भी करना चाहिए और उस मंत्र के द्वारा अर्च विग्रह की सेवा भी करनी चाहिए। मंत्र के दोनों प्रकार से भक्ति अंग उसके होते हैं, एक जप और एक अर्च विग्रह पूजन। तो क्या कह रहे हैं, मंत्रेण अनेन, इस मंत्र के द्वारा देवस्य द्रव्यमयीं सपर्याम कुर्यात्। भगवान की, देवस्य भगवान की करनी चाहिए द्रव्यमयीं सपर्याम। द्रव्यमयीं अर्थात उपचारों के द्वारा। अरे बो, डोंट स्लीप इन द क्लास, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए, अभी तो समय है। तो द्रव्यमयीम, अलग अलग द्रव्यों जैसे फूल, पुष्प, फल, खाद्य सामग्री इत्यादि, ये सब द्रव्य हैं अलग अलग, इनके द्वारा पूजा करनी चाहिए। किसको, बुधः विविधै द्रव्यैः देशकाल विभागवित्। जो बुद्धिमान व्यक्ति देशकाल के अनुसार
अलग अलग चीज़ें जैसी उपलब्ध हैं अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हुए वो देश काल के का विचार करते हुए भगवान को अर्च विग्रह के लिए अलग अलग उपचार प्रस्तुत कर सके। तो इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा हुई है तात्पर्य के अंदर श्रील प्रभुपाद के द्वारा। एक मुख्य जो विषय यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ओम ये जो शब्द है ये प्रणव कहलाता है, प्रणव मंत्र है प्रणव। और तो ये जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है ये द्वादश अक्षर मंत्र कहलाता है, इसमें द्वादश अक्षर हैं, जैसे 16 अक्षर महामंत्र है ऐसे ये 32 अक्षर का ऐसे ये द्वादश अक्षर है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसमें शुरू में प्रणव आ रहा है। तो एक शास्त्रों का विधान है कि जो प्रणव है तो जो ब्राह्मण हैं वही ये प्रणव का उच्चारण कर सकते हैं, ये शास्त्रों में बताया गया है। तो अभी ध्रुव महाराज की आयु थी, एक तो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों के लिए जो उपनयन संस्कार होता है जिसके अंदर ब्रह्म गायत्री दी जाती है, यानी कि उपनयन संस्कार के बाद वो वेद अध्ययन आरंभ कर सकते हैं, अर्थात वो ये प्रणव मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। वो 11 साल है, एकादश वर्ष क्षत्रियों के लिए, और जो ब्राह्मण हैं उनके लिए है 8 साल। तो अभी ध्रुव जो थे वो तो 11 साल के नहीं थे, तो अर्थात उनका उपनयन तो संभव नहीं था, और वो क्षत्रिय स्वभाव के भी स्वभाव के तो थे ही, मतलब केवल जन्म से ही क्षत्रिय नहीं थे, स्वभाव से भी क्षत्रिय थे, नारद मुनि ये देख रहे थे, इसलिए उन्होंने बताया भी कि क्षत्रिय स्वभाव के कारण मैं आपकी ये जो शिक्षाएं हैं सम देखना सहन करना ये सब तो मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन तो इसलिए उनका क्षत्रिय स्वभाव था, क्षत्रिय जन्म था, और वो 11 साल के नहीं थे, तो इसलिए नारद मुनि उनको उपनयन संस्कार उस समय नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने उनको ये वैदिक मंत्र दिया, ये वैदिक मंत्र कहलाता है जो प्रणव से आरंभ होता है। तो इस पर यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय समय में आता है जो सभी आचार्य इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि वैष्णव जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण करने के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक नहीं है। जो वैष्णव मंत्र जिनके आगे प्रणव आ रहा हो, ऐसे वैष्णव मंत्र जिसमें जिनका आरंभ प्रणव से होता हो, उन वैष्णव मंत्रों का उच्चारण करने के लिए उपनयन संस्कार, वैदिक उपनयन संस्कार की आवश्यकता नहीं है। वो कोई भी वर्ण का व्यक्ति इनको ले सकता है। श्रील प्रभुपाद इसीलिए तात्पर्य में हमारी जो पूरी प्रणाली है दीक्षा की उसको उजागर कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो वैष्णवी दीक्षा है, जो पंचरात्रि की दीक्षा है, जो दीक्षा हमारी संस्था के अंदर और अन्य वैष्णव संप्रदाय जैसे श्री संप्रदाय के अंदर जो प्रचलित है वो वैष्णवी दीक्षा है। ये वैष्णवी दीक्षा एक प्रकार की दीक्षा है और दूसरी दीक्षा है वैदिक दीक्षा। तो शास्त्रों में दोनों प्रकार की दीक्षाओं का वर्णन है, भागवतम में भी है वैदिकी पांचरात्रि की व दीक्षा के अलग अलग प्रकार होते हैं। दीक्षा एक पद्धति है जिसके द्वारा दिव्य ज्ञान दिया जाता है, जिसके द्वारा आध्यात्मिक प्रगति व्यक्ति की संभव होती है, उस पद्धति को दीक्षा कहते हैं, जिसमें मंत्रों के द्वारा व्यक्ति को गुरु जो है मंत्रों के द्वारा उनको मंत्र शक्ति प्रदान करके, मंत्र प्रदान करके उनको आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इसका जो वैदिक दीक्षा जो है उसके अंतर्गत
वैदिक मंत्र दिए जाते हैं और विशेष रूप से वर्ण के अनुसार वो आधारित होता है कि जो केवल द्विज है, जो तीन वर्ण के लोग हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, वही केवल प्रणव मंत्र के अंदर दीक्षित हो सकते हैं। इसलिए ब्रह्म गायत्री जो है वो केवल जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उनको दी जाती है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शास्त्रों में हमेशा ये गुण कर्म विभागशः यही विचार है कि जो गुणों से कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उन्हीं को ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य माना जाता है। लेकिन क्योंकि सामान्यतया जब वैदिक विधियों का पालन होता है, संस्कारों का पालन होता है, तो सामान्यतया जिसका पिता जिस वर्ण का है उनका सामान्यतया पुत्र भी उसी गुणों का बीज लेकर के उत्पन्न होता है, यानी उसी प्रकार की आत्मा उनके यहाँ पर आती है जो पिता के वर्ण के अनुरूप होते हैं। तो इसलिए सामान्यतया जन्म से एक इंगित होता है कौन से वर्ण का होगा, लेकिन जन्म से कभी भी वो वर्ण का माना नहीं जाता है। जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले एक ब्राह्मण स्वभाव जिसका है पोटेंशियल रूप में, उसको भी जन्म से तो शूद्र ही माना जाता है। उसके बाद संस्कारात भवे द्विजा, संस्कारों से ही वो द्विजा बनता है, तो वो तो है लेकिन संस्कार फिर उसी का उसका होता था जो जन्म से ब्राह्मण परिवार में जिसने जन्म लिया है, या द्विज मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। लेकिन यदि कभी भी अन्य लक्षण दिखता था जन्म के विपरीत, तो फिर उसको उस लक्षण के अनुसार उसका वर्ण निश्चित होता था। यस्य लक्षण प्रोक्त पुंस वर्णाभिव्यंजकम् यत्र अन्यत्र दृश्येत तत्र तेनादि दृश्यते विनिर्देशेत। अगर अन्यत्र अगर अन्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो यानी जन्म के विपरीत, तो फिर उस लक्षण के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित होना चाहिए, ऐसा नारद मुनि ही बताते हैं। तो ये विधान है शास्त्रों का। तो जो वैदिक उपनयन संस्कार जो होता था वो इस प्रकार से जो तीन वर्ण हैं द्विज हैं उनके लिए वो होता था, और इस प्रकार वो उनकी दीक्षा होती थी और इत्यादि। तो इसलिए वहाँ पर ये नियम है कि जो वैदिक मंत्र हैं जो प्रणव से आरंभ होते हैं उनको केवल द्विज ही उच्चारित कर सकते हैं। तो पहले उपनयन संस्कार होगा तब उनको ये ओम प्रणव को उच्चारित करने की योग्यता प्राप्त होगी। लेकिन एक दूसरी विधि है शास्त्रों में दीक्षा की यानी आध्यात्मिक प्रगति की, वो है पंचरात्रि की विधि। तो वैदिक विधि में मुख्य रूप से उसमें क्या बोलेंगे उसको, रिचुअलिस्टिक प्योरिटी, अनुष्ठानगत शुद्धता मुख्य केंद्र है जिससे वो काम करती है। अनुष्ठानों के द्वारा शुद्धि होना, संस्कारों के द्वारा शुद्धि होना, और इसलिए उसमें जन्म का भी अपना महत्व है, जन्म का भी एक महत्व है। जन्म भी एक संस्कार की तरह से कार्य, शुद्धि का कार्य करता है जन्म भी। लेकिन कलयुग में ये संस्कार जो हैं वो सही से पालन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि संस्कारों को पालन करने के लिए अनुष्ठानगत शुद्धता चाहिए, रिचुअलिस्टिक प्योरिटी चाहिए। संस्कार रिचुअल्स अनुष्ठान बड़ी शुद्धता से होने चाहिए, बाह्य शुद्धता मानसिक शुद्धता ये इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है अगर संस्कार को अच्छे से संपन्न करने हैं तो। क्योंकि कलयुग में अशुद्धता बहुत रहती है, शुद्धता नहीं है, किसी भी द्रव्यों में शुद्धता नहीं है, मन के अंदर मलिनता है, इसलिए वो जो संस्कारों को सही से संपन्न करना है कलयुग के अंदर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस कलयुग के अंदर जो वैदिक विधि है वो अभी चरमरा गई है। वैदिक विधि के अंतर्गत अलग अलग वर्ण का कार्य करना, दीक्षा ग्रहण करना, वर्ण का कार्य करना और उससे आगे बढ़ना, ये विधि है वैदिक दीक्षा विधि। तो वो अभी जो है चरमरा गई है, इसलिए वो कारगर नहीं है अपने आप में
उत्थान करने के लिए, लोगों का आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए वैदिक विधि। इसलिए ये जो कलयुग है इसके अंदर वो वैदिक विधि से जनसाधारण का उद्धार करना, उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो ऐसा सोचना, ऐसा करना संभव नहीं है। इसीलिए ऐसे समय के लिए शास्त्रों में एक दूसरी विधि बताई गई है, पंचरात्र विधि, जो हमेशा से कारगर होती है। चाहे ये जो अनुष्ठानगत शुद्धता भले ही ना भी हो, द्रव्यों की शुद्धता ना भी हो, किंतु यदि एक शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त करके कोई व्यक्ति यदि भगवान को शरणागत होने की श्रद्धा प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसे जो मानसिक और भौतिक अशुद्धियां हैं उसकी परवाह किए बिना ये पांचरात्र की विधि से एक शुद्ध भक्त से दीक्षा ग्रहण करके वो व्यक्ति भी ओम प्रणव का उच्चारण कर सकता है और आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। तो कलयुग के लिए यही विधि कारगर है, क्योंकि सामान्य विधि जो वैदिक विधि है जैसा हमने बताया, उसके लिए वो जो शुद्धता चाहिए चीज़ों की वो नहीं है, चीज़ों की और मन की शुद्धता नहीं है। तो इसीलिए वर्तमान समय में जो विधि कारगर है वो ये पंचरात्रि की विधि है, जो केंद्रित होती है शरणागति के सिद्धांत पर। इसलिए जैसा कि भगवान भगवद्गीता में भी सिद्धांत को बताए हैं, माम ही पार्थ विपाशित्य ये पि स्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास ते पि यान्ति पराम गतिम। ये वही विधि है, ये उसी का वहाँ पर ये वर्णन है कि जो भी कोई मेरी शरण में आता है, फिर कोई जरूरत नहीं है कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही क्यों ना हो, वर्ण के विचार किए बिना, इवन लिंग का विचार किए बिना, स्त्री भी, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास, जाति इत्यादि ये सब विचार किए बिना, है ना, यहाँ तक कि चांडाल जो वर्ण के भी नीचे हैं, चांडाल इत्यादि, वो भी कोई भी जो भी किराट होनंद पुनंद पुलकश पुखश आभीर शुंभा जवना खसादया यन्ने च अरविंद यन्ने च यदपाश्रया श्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तो जो भी किसी भी कैसे भी जन्म जिसने कहीं भी लिया हो, कैसे भी उसका कर्मफल रहा हो, यदि कोई भी व्यक्ति मुझे शरणागत होता है तो वो मुझ तक आ सकता है। तो ये चीज़ है। तो इसलिए पंचरात्रि की विधि जो है इस सिद्धांत के ऊपर लागू होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति शरणागत होने को तैयार हैं, जिनकी श्रद्धा बन गई है भगवत भक्तों के संग में श्रवण करने से और सुकृति प्राप्त करने से, भक्ति सुकृति प्राप्त करने से, जिनके अंदर भी ये श्रद्धा बन गई है कि मैं कृष्णदास हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मैं भगवान को शरणागत होना चाहता हूँ, इस प्रकार से श्रद्धा जिसकी बन गई है वो अभी इस पंचरात्रि की विधि के द्वारा दीक्षित होने का अधिकारी बन जाता है। इसलिए ये उसकी योग्यता है, उसके लिए अनुष्ठानगत योग्य शुद्धि की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो केवल इस योग्यता से वो व्यक्ति दीक्षित हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में इस दीक्षा विधि का वर्णन है, यथा कांचनताम याति कामस्य रसविधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्तम जायते नृणाम। भक्ति हरि भक्ति विलास में भी यहाँ पर वर्णन करते हैं सनातन गोस्वामी इस विधि का, शास्त्रों से लेकर के इसको समझाते हैं। शास्त्र ने बताया है कि यथा जिस प्रकार से कांस धातु भी एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा कांचनताम याति कांचन बन जाती है, स्वर्ण बन जाती है कांस धातु भी, उसी प्रकार तथा दीक्षा विधानेन ये पंचरात्रि की दीक्षा के द्वारा द्विजत्वं जायते नृणाम। नृणाम मनुष्य, कोई भी मनुष्य वो द्विजत्वं द्विज पद को प्राप्त कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। इसी पे ही हमारा जो आंदोलन है उसका एक भाग, जो पंचरात्रि की भाग है, वो टिका हुआ है। हमारी संस्था का एक और भाग है, वो है भागवत विधि भाग। ये दोनों को मिला करके हमारी पूरी शुद्धिकरण की विधि, प्रगति की विधि, इन दोनों विधियों पर चल रही है।
दोनों साथ साथ चल रही है, एक पंचरात्रि की विधि और दूसरी भागवत विधि। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर पंचरात्रि की विधि। तो तीन विधियाँ हो गई, एक वैदिक, एक पंचरात्रिक और एक भागवत विधि। पंचरात्रिक विधि के लिए जरूरी है अनुष्ठानगत शुद्धता, इसलिए वो विशेष रूप से सतयुग त्रेता युग द्वापर वहीं तक ही सीमित थी, कलयुग के अंदर वो कारगर नहीं है। और वर्तमान समय के अंदर पंचरात्रि की विधि, पंचरात्रि की विधि कारगर है अन्य समय में भी, लेकिन अभी भी कारगर है। और जो भागवत विधि है वो श्रवण और कीर्तन पर आधारित है, भगवान के दिव्य नामों के रूप गुण लीलाओं के श्रवण कीर्तन पे जो आधारित विधि है वो है भागवत विधि। ये भागवत विधि जो है वो हर समय कोई भी, जहाँ पर पंचरात्रि की विधि भी कारगर नहीं है वहाँ पर भी ये कारगर है, उसके भी उससे भी इंडिपेंडेंट है ये विधि, सबसे पावरफुल है ये भागवत। लेकिन भागवत विधि को सपोर्ट सहायता देने के लिए, था सहायता मतलब जो लोग भागवत विधि का ही केवल आश्रय ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि भागवत विधि कमज़ोर है इसलिए उसको सपोर्ट चाहिए, लेकिन जो लोग कमज़ोर हैं, जो भागवत विधि का ग्रहण नहीं कर पाते हैं अपनी आध्यात्मिक अयोग्यता के कारण, उनको पंचरात्रि की विधि सहायता करती है कि वो अच्छे से भागवत विधि तक पहुंच पाए। इसलिए कहा है दीक्षा उपचर्या अपेक्षा ना करे, ये जो भागवत विधि है वो ये पंचरात्रि की दीक्षा की भी अपेक्षा नहीं करता है, उसके लिए उसकी भी आवश्यकता नहीं है, है ना। केवल जीवा से जो भी भगवान का नाम लेता है वो भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है, भागवत विधि इतनी प्रभावशाली है। तो ये हमारी जो ये संस्था है उसका ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, नाम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन। तो अभी हम जो भागवत हर रोज बैठते हैं ये इस विधि के अंदर आता है, हम हरि नाम करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, ये सब ये भागवत विधि के अंदर आता है, ठीक है। फिर दूसरी जो विधि है, ये जो पंचरात्रि की विधि है, उसके अंदर विशेष रूप से भगवान के अर्चक विग्रह सेवन होता है, ये उस विधि के द्वारा होता है। वो जो है मुख्य रूप से ये शरणागति से वो संबंधित है, शरणागति से संबंधित है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कह रहे हैं कि सामान्य लोग ये नहीं जानते इस विधि के विषय में, जो स्मार्त ब्राह्मण हैं या स्मार्त लोग हैं, स्मार्त अर्थात जो स्मृति शास्त्रों के द्वारा आध्यात्मिक प्रगति करने का प्रयास करते हैं उनको स्मार्त कहते हैं। स्मृति शास्त्रों के अंदर अलग अलग विभाग हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि, पंचरात्रि की विधि बिना पंचरात्रि की, ये सब अलग अलग भाग हैं, श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र। और मुख्य रूप से त्रय, एक श्रुति और स्मृति और फिर पंचरात्र, ये तीन मुख्य विभाग हैं। तो जो स्मृति को पालन करने वाले हैं उनको स्मार्त कहते हैं। तो कई बार भ्रांत विचारधारा के कारण स्मार्त लोग ऐसा सोचते हैं कि जो स्मृति शास्त्र के अनुसार जो नियम दिए गए हैं वो सबके ऊपर लागू होते हैं, कि वो ये नहीं जानते हैं कि स्मार्त ही केवल स्मृति शास्त्र ही में मात्र एकमात्र विधि नहीं है, शास्त्र के और भी भाग हैं। अगर कोई अन्य मार्ग के नियमों का पालन कर रहा है तो वो दोषपूर्ण नहीं है। जैसे भागवत विधि के अंतर्गत या पंचरात्रि की विधि के अंतर्गत उसके नियमों का पालन करना होता है, लेकिन वो उनको ज्ञान नहीं है इसलिए वो केवल सोचते हैं कि बस केवल यही एकमात्र विधि है शास्त्रों में, केवल स्मृति ही है, ऐसा नहीं है। और स्मृति तंत्र स्मृति शास्त्रों को पालन करने के लिए जो योग्यता चाहिए वो वर्तमान समय में सामान्य रूप से नहीं होती है, इसलिए वो भी उनको जानकारी नहीं है, इसलिए वो वर्तमान समय में भी उस विधि को लगा रहे हैं जो विधि इस समय कारगर नहीं है,
और इसलिए वो केवल एक औपचारिकता बन करके रह गई है, उससे आध्यात्मिक विकास भी नहीं होता है, वो केवल एक सामाजिक स्थिति प्रदान करने वाली विधि बन के रह गई है। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, न गुण है न कर्म है, केवल जाति, जन्म जात जाति के स्तर पर वो आकर के रह गई है। उसका कोई व्यावहारिक प्रयोग नहीं रह गया है, व्यावहारिक प्रयोग नहीं रह गया है। तो इसलिए उससे अपने को संबंधित रखना वो व्यर्थता है। जो भी वर्तमान समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति के अनुसार जो भी हम आजकल विचार कर रहे हैं, सामान्यतः उसका कोई विशेष अर्थ नहीं रह गया है, क्योंकि वो केवल एक औपचारिकता मात्र बन के रह गई है। वो केवल एक सामाजिक, एक हम इस समाज के, हमें जरा हेल्प मिलेगा। आजकल ज़्यादातर तो ये इसीलिए काम होता है, जॉब लगाने के लिए, हम एक अग्रवाल समाज है, चलो एक दूसरे की हेल्प करो, ये है तो इनकी हेल्प करो, इनकी हेल्प करो। और विशेष रूप से अभी कुछ बचा कुचा रह गया है तो विवाह के लिए रह गया है जाति धन देखना। बाकी ब्राह्मण जो है नौकरियां कर रहे हैं, क्षत्रिय भी नौकरियां कर रहे हैं, तो कैसे, कहाँ के ब्राह्मण हैं हम, कहाँ के क्षत्रिय हैं, लेकिन विवाह करने के लिए हम जरूर देखते हैं। तो उसका कोई अभी उपयोग नहीं। हाँ ठीक है, कुछ उपयोगिता हो सकती है, थोड़ी बहुत कुछ बचे कुछ अंश हो सकते हैं, कुछ गुण थोड़े बहुत, बहुत लेश मात्र, लेकिन वो मुख्य नहीं रह गया अभी। इसलिए हमें अपने को उससे अटैच भी नहीं करना चाहिए कि ये जाति, हम तो इस जाति के ही, हम इस जाति के ही। अभी वर्तमान समय में जो विधि उपलब्ध है वो ये पंचरात्रि की विधि उपलब्ध है, हमें अपने को उससे संबंधित करना चाहिए। हमें शरणागत होना चाहिए, और शरणागत जो भी हैं वो सब वैष्णव हैं। और फिर आगे चल करके अभी धीरे धीरे वैष्णव दीक्षा के द्वारा, वैष्णव विधि पालन करने के द्वारा, फिर सपोर्ट की तरह से गुण के आधार पर जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि के गुण के अंतर्गत हैं, तो फिर उन गुणों के द्वारा विचार हो सकता है कि उनके क्या क्या वो कार्य हैं, वो करें, और फिर उसके अनुसार इवन सारे जो विवाह इत्यादि उसमें भी उसका उपयोग हो सकता है। लेकिन जब तक ये वैष्णव सिद्धांत पहले हम पालन नहीं कर रहे हैं, और केवल वो जो वैदिक स्मार्ट विधान पालन कर रहे हैं, जबकि आजकल वो कारगर नहीं है, तब तक वो व्यर्थ है। तो सबसे पहले तो वैष्णव सिद्धांतों का स्थापित होना जरूरी है, उसके सपोर्ट में फिर ये जो भी हमारे अंदर गुण हैं वो वैष्णव यानी कि भागवत विधि और पंचरात्रि विधि को सपोर्ट करने के लिए उपयोग में हो सकते हैं, ना कि उनके अल्टरनेटिव की तरह से। इसलिए प्राथमिक हमें जो स्थान देना होगा वो पंचरात्रि की प्रणाली को देना होगा, उसके उपरांत फिर हम इसको गुण के अनुसार जो ब्राह्मण क्षत्रिय, इसलिए जो वर्णाश्रम अभी स्थापित जो है उसलिए उसको वो वैष्णव पहले तो एक उसका भाग है, वैष्णवों के अंतर्गत उस वर्णाश्रम को सपोर्ट की तरह से लागू करना। तो इसलिए उसमें विचार होगा गुण का, वो तो हमेशा से विचार है, तभी उसको दैवी बोलते हैं वर्णाश्रम। जिस वर्ण के वर्णाश्रम के अंदर गुणों का विचार नहीं है, केवल जन्म का विचार है, वो आसुरी होता है, वो आसुरी होता है। इसलिए आप देखिए कि वैष्णव संप्रदाय में भी जैसे हमारे सारे जो आचार्य हुए हैं, जैसे गोस्वामी, तो गोस्वामी जो हैं चैतन्य महाप्रभु के जैसे महान अनुयायी थे 6 गोस्वामी, तो वो तो सब सन्यासी थे, लेकिन उनके जो कुछ उन दीक्षा दी और उनसे जो कुछ उनके अनुयायी हुए वो कुछ गृहस्थ भी थे, और फिर उन्होंने आगे चल करके वो गृहस्थ थे तो उनके बच्चे हुए, तो उन्होंने जो है ये जो गोस्वामी टाइटल जो है वो शुक्र परंपरा का समझते हुए ले लिया कि हमारे गुरुजी गोस्वामी, फिर उसके बाद वो गोस्वामी बने। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि अभी केवल जो भी गोस्वामी है उसका बच्चा अपने आप से गोस्वामी हो जाता है। गोस्वामी जो है वो उसका वो गुण से होता है। गोस्वामी, गोस्वामी का अर्थ है, गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब जो उसका स्वामी है। तो
तो जो इंद्रियों का स्वामी है वही गोस्वामी कहलाने लायक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, अभी ये एक सरनेम बन गया, एक जाति का टाइटल बन गया गोस्वामी। ऐसे करके चीज़ें समय के उपरांत समय से खराब होती हैं। जहाँ पर भी गुणों का विचार नहीं किया जाएगा, जहाँ पर भी रबर स्टैंपिंग होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पर फिर गुणों का ध्यान और नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अभी तो केवल जन्म से स्टैंप लग गया। इसे इसको बोलते हैं शुक्र परंपरा, शुक्र अर्थात सिमेन, जन्म से जो होती है। तो जन्म महत्वपूर्ण है। एक माता पिता अपने अनुरूप अच्छे गुणों वाले बच्चों को जन्म दें वो अपेक्षित है। इसलिए अपेक्षित है कि ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण गुण वाले बच्चे आए, क्षत्रिय में क्षत्रिय, अच्छा है, अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए संस्कार का पालन होना चाहिए, गुणों के अनुसार कार्य करना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। केवल रबर स्टैंपिंग से काम नहीं चलेगा, तो वो भी अच्छी बात है कि जन्म जन्मांतर एक परिवार में उस प्रकार के लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर वो गुण नहीं है और फिर भी ये सोचते रहना कि क्योंकि हमारा जन्म इसमें है इसलिए हमारा ये वर्ण है, ये गलत है। इसलिए हम बस उसके जो अधिकार हैं उसको प्राप्त करेंगे या समाज में इस प्रकार से भेद होगा, वो गलत है। वो अंततः गुण और कर्म के अनुसार ही होना चाहिए। तो अभी वर्तमान समय की स्थिति क्या है, सब म्लेच्छा यवन शूद्र से भी नीचे हैं। शूद्र कहना तो अभी बहुत ऊंचा तो अतिशयोक्ति है, किसी व्यक्ति को शूद्र भी कहना वर्तमान समय। सब जो हैं वो अंत्यजा हैं। आप अंत्यजा के लक्षण देख लीजिए, भागवतम में जो बताए हैं वही लक्षण बताए हैं। जो कोई स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, कोई नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं, झूठ बोलते हैं, तो सब आजकल के सामान्य लोगों में सब में यही गुण पाए जाते हैं। आप देखिए लोग खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं, कौन से हाथ से खाना खाते हैं ये भी नहीं पता है। एक सामान्य स्वच्छता का गुण जो बहुत सामान्य चीज़ होती थी, आप देखिए लोग आते हैं आराम से लेफ्ट हैंड, उत्तर भारत में तो बहुत कॉमन है, रोटी दोनों हाथ से तोड़ेंगे। तो ये जो है ये वैदिक संस्कृति के अनुसार ये सब म्लेच्छा व्यवहार है। जो लोग वैदिक संस्कृति को नहीं जानते हैं उसका पालन करने को म्लेच्छा कहते हैं। तो आप देखिए आजकल जो तथाकथित ब्राह्मण हैं वो भी सब लेकिन जनेऊ है, हम ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय प्रभुपाल उस समय बोले कि जब इंदिरा गांधी वो भारत की प्रधानमंत्री हैं तो ये घोषित हो गया कि संसार में कोई क्षत्रिय नहीं बचा। एक स्त्री को बनाना पड़ रहा है, राज्य सिंहासन पे एक स्त्री को बैठाना पड़ रहा है, मतलब कोई क्षत्रिय नहीं रह गया। कहते हैं ना आप अपने हाथ में चूड़ियाँ पहन लो तो ऐसे क्षत्रिय कोई क्षत्रिय नहीं रहेगा। अभी क्या करोगे आप लोग, स्त्री आपका काम करे तो कहाँ के क्षत्रिय हैं, कहाँ के ब्राह्मण हैं। इसलिए वर्तमान समय में समझना चाहिए हमारी दयनीय स्थिति कली के अंदर। कलयुग में हम लोग कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी नहीं है, हम लोग सब बहुत है। हम भारत के, हमको क्या भारत के हैं, भारत के लोगों की तो बता रहा हूँ मैं, दुआ से चपाती तोड़ना और सारे सब कुछ भी नियमों का पालन नहीं करना और झूठ बोलना, और झूठ तो बहुत छोटी चीज़ है, गुटखा पान खाना कितना कॉमन चीज़ है, नहीं ब्राह्मण है और बनारस का पान है। वाराणसी में बहुत ब्राह्मण लोग हैं और वहाँ पर स्पेशल है वो वाराणसी का बनारस का पान। तो गुटखा पान और ये सब कैसे, कौन से ब्राह्मण की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये कलयुग के अंदर बहुत ह्रास हो चुका है। तो इसीलिए म्लेच्छा यवन ऐसे सब लोगों के लिए अभी कहाँ वैदिक विधि पालन नहीं हो सकती है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार आचार्यों ने ये पांचरात्रि की विधि का वर्णन किया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी निम्न स्तर पे क्यों ना हो,
वो भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में आकर के यदि भगवान की शरण ग्रहण करता है तो फिर उसको पांचरात्रि की दीक्षा के द्वारा उसको अर्च विग्रह की सेवा करने का मौका दिया जा सकता है। वो भक्ति, वो भगवान नाम ले सकता है, वो मंत्र ले सकता है जिसमें प्रणव हो, प्रणव जिसमें है ऐसे मंत्रों का उच्चारण कर सकता है। नहीं तो स्मार्त विधि के लोग जो हैं ये भी आलोचना करते हैं, ये भगवान नाम आप क्यों ले रहे हैं, जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सब आरंभ किया तो वो लोग यही बोलते थे, अरे ये पब्लिक में जाकर के सबको बोल रहा है हरि बोल सब भगवान का नाम ले, ये स्मार्त में गलत है, ऐसे नहीं, केवल जो ब्राह्मण हैं उन्हीं को अधिकार है ये महामंत्र लेने का, इसलिए उनका विरोध हुआ था, है ना। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु ने जब आरंभ किया तो सब हिंदुओं ने, तथाकथित हिंदुओं ने उनका विरोध किया कि ये हमारे धर्म को नाश कर रहा है, ये सबको हरि नाम बुलवा रहा है, जबकि ये तो केवल ब्राह्मणों के लिए ही है केवल ये मंत्र, है ना। तो ये देखिए बहुत पुरानी चली आ रही है ये चीज़, और अभी भी है भारत के अंदर। जब फिर उसके बाद में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वृंदावन गए तो अपने शिष्यों को लेकर के, तो सारे स्मार्त जो वहाँ पर ब्राह्मण और जो गोस्वामी परिवार के लोग थे जो मंदिरों के अध्यक्ष थे, तो उन सब लोगों ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए कि ये यहाँ नहीं आने चाहिए लोग। जब भक्तिदास सरस्वती महाराज ने शिष्यों को लेकर के ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे तो उन सब ने उनका बहिष्कार किया वृंदावन के अंदर कि ये लोग कौन सा ये सब हमारे धर्म को नाश कर रहे हैं ये सब, क्योंकि भक्तिदास सरस्वती महाराज जो हैं वो जो ब्राह्मण परिवारों में जिनका जन्म नहीं हुआ है उनको भी वो दीक्षा दे रहे थे और सब हरे कृष्ण मंत्र कर रहे थे, उनको यज्ञ कराना अर्च विग्रह सेवा कराना ये सब कर रहे थे, तो उन्होंने बहिष्कार किया, है ना। और आप जानते हैं बाली घई में बहुत बड़ी सभा हुई थी जिसमें सारे स्मार्त ब्राह्मणों सब ने चुनौती दी थी भक्ति विनोद ठाकुर को कि भक्ति विनोद ठाकुर और भक्तिदास सरस्वती महाराज को कि आप ये सब जो कर रहे हैं ये सब जो ब्रह्म जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है उनको आप ये दीक्षा दे रहे हैं और वो लोग उपनयन ये उनको आप जनेऊ दे रहे हैं ये क्या है, ऐसा कैसे संभव है। तो बहुत बड़ी सभा हुई थी जिसमें भक्तिवीर ठाकुर ने फिर भक्तिदास सरस्वती महाराज को भेजा था कि आप जरा शास्त्र के आधार पर उनको आप जाइए समझाइए। तो वहाँ पर 3 दिन तक उन्होंने प्रवचन दिया लगातार, तो वो एक पुस्तक के रूप में वो फिर संकलित है ब्राह्मण ओ वैष्णव ये पुस्तक के रूप में। तो उन्होंने इतने सारे प्रमाण दिए शास्त्रों के आधार पे कि सब चुप हो गए। उन्होंने स्थापित किया कि जो वो पालन कर रहे हैं वो मन घड़ंत नहीं है, वो शास्त्र के अनुसार है, शास्त्र के अनुसार है। तो इसलिए ये जो आज स्थिति है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति हम कोई हमारे में से बहुत सारे लोग कोई ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म नहीं हुआ है यहाँ अर्च विग्रह की हम लोग सेवा करते हैं जो अकल्पनीय है स्मार्त लोगों के द्वारा, तो वो चीज़ जो आज फिर भी आज रिलेटिवली एक्सेप्टेबल है तो वो ये ऐसे सब चैतन्य महाप्रभु और ऐसे कई कई शताब्दियों के बाद में ये धीरे धीरे आज ये स्थिति आई और आज भी है। आप जाइए नर्मदापुरम के अंदर बहुत से स्मार्त ब्राह्मण हैं जो इस्कॉन के बड़े भर्सना करते हैं, नर्मदापुरम में गढ़ है ना स्मार्थ लोगों का, तो अभी भी वहाँ पर धीरे धीरे अंदर अंदर ये बातें होती रहती हैं, ए इस्कॉन वाले कुछ भी करते हैं। देखो तो ये हमें अच्छे समझना चाहिए कि जो ये शास्त्रों का विधान है उसके अनुसार ये चल रहा है, पंचरात्रि की विधि के अनुसार ये चल रहा है। इसलिए वैष्णवों की जाति के अनुसार उनकी पहचान नहीं होनी चाहिए, उस पर उस आधार पे उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। वैष्णवे जाति बुद्धि, वैष्णवों में जाति बुद्धि देखना वो इसलिए अपराध माना गया है, ये कौन सी जाति का है, ये कौन सी जाति का, उस आधार पर उसका उसकी विवेचना करना ये जो है अपराध माना गया है। ठीक है, इसके विषय में और कल इसी श्लोक के ऊपर और कल चर्चा करेंगे, बहुत सारे और विषय हैं बताने के। हरे कृष्णा।
कोई प्रश्न? आजकल देखते हैं, बाकी चीज़ों में तो अभी नहीं देखते हैं। जॉब करना है तो ब्राह्मण का कोई लड़का होगा, जॉब करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, बेटे जॉब कर रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शादी में थोड़ा देखते हैं, ऐसा मैं कह रहा था। भक्तों के अंदर भी यदि ये मानसिकता रहेगी, भक्तों के अंदर ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। अभी एक हमने प्रश्न पूछा एक बार, एक व्यक्ति हैं जो अभी भक्ति को ले रहे हैं उधर भक्ति ग्राम में, तो वो जो हैं जन्म से क्षत्रिय हैं। तो अभी दीक्षा की बात आई कि भाई दीक्षा लेना है, गंभीर हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो बोले प्रभु जी हम मूछ तो नहीं कटा सकते, क्योंकि क्षत्रियों के लिए जो है मूछ कटाना तो मतलब मरने जैसा है। तो फिर हमने पूछा परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज से क्या किया जाए, क्योंकि हम भी तो चाहते हैं कि वर्णाश्रम स्थापित हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो महाराज बोले कि केवल मूछ से थोड़ा क्षत्रिय होते हैं। आजकल जो ये विचार है कि मूछ होना चाहिए, ये केवल हमारी जो मटेरियल लेवल पर और जो अटैचमेंट है उसको केवल वो इंगित कर रहा है। वास्तव में वो क्षत्रिय के गुण के अनुसार वो अटैचमेंट नहीं है हमारा, केवल वो जन्म के आधार पर ही हमारा अटैचमेंट है, क्योंकि कर्म तो है नहीं क्षत्रिय वाले। तो इसलिए पहले तो वो गलत धारणा को तोड़ना पड़ेगा, फिर सही चीज़ को स्थापित करना पड़ेगा। पहले गलत वर्ण व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा, फिर सही वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं ये क्षत्रिय क्षत्रिय की तरह से रहें, पर क्षत्रिय पहले क्षत्रिय हों। तो अभी जो सब क्षत्रिय ब्राह्मण अपने को बोल रहे हैं वो सब तो केवल नाम का दिखावा है, वो कोई क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य कोई नहीं है, सब शुद्ध से नीचे। इसलिए पहले उसको तोड़ें, क्योंकि वैष्णव बनने के लिए ज़रूरी है कि पहले ये अपने शरीर के साथ जो अपनी पहचान है उसको ख़त्म करें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ना हम विप्रो ना नरपतिर, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब नहीं हूँ, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी भी नहीं हूँ। हमारी जो मूलभूत पहचान वो है गोपी भर्तृपाद कमलयोर दास 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 न दास, ये हमारी। तो पहले तो इस आधारभूत पहचान में पहले लोगों को लेकर आना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कार्य करना है वो इस समझ से कि ये हम तो वैष्णव हैं, इस संसार के अंदर व्यवस्थाएं ठीक से रखने के लिए, भगवान की सेवाओं करने के लिए हम ये वर्ण का कार्य करें, ना कि शरीर के शरीर ही की पहचान करते हुए हम मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं शरीर का हूँ इसलिए ब्राह्मण, वो विचार नहीं। तो इसलिए तो इसी प्रकार से भक्त समाज में भी यदि हम इस बात को रखेंगे कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तो ये हमारे मार्ग में एक बड़ी बाधा है। अगर हम इसी विचार में रहेंगे हम क्षत्रिय हैं वैश्य हैं, ये बहुत बड़ी बाधा है, इससे तो निकलना तो होगा। हाँ, फिर उसके बाद पहले ये जातिगत शरीर के अनुसार समाज के इसकी तोड़ करके, फिर उसके बाद गुणों के अनुसार फिर हम स्वीकार करें कि हम कौन है, उस वर्ण के कार्य करें फिर। अच्छा, हाँ ठीक है, तो वो हो सकता है, वो तो फिर व्यवस्था हो गई उनकी कि वो उसको, जैसे हम प्रभु तिलक लगाना चाहते हैं लेकिन शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, तो उसी प्रकार से हो गया ना कि हम तो चाहते हैं लेकिन समाज क्या कहेगा, या हम अभी इतने बलिष्ठ नहीं हैं कि हम उसको ना कह सकें, इतना विरोध होगा, तो उस कैटेगरी में आ गया। कम से कम समझ तो हो कि ये सही तो नहीं है, समझ तो हो कम से कम क्लियरली, और फिर प्रयास करें जितना हो सके हम उसको अगर फेस कर पा रहे हैं समाज को तो अच्छी बात है। वो तो हर चीज़ में है, पोशाक पहनने में भी है, क्योंकि संसार को तो वैष्णव की समझ है ही नहीं, इसलिए वो तो उनका हर चीज़ का विरोध करेंगे। अब वो हमें देखना है कि हम कितना सहन कर पाते हैं। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।